बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता इरफान खान का 54 साल की उम्र में आज यानी बुधवार को निधन हो गया। इरफान खान की अचानक तबीयत खराब होने के कारण उन्हें बीते दिन मंगलवार को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उन्हें कोलन इन्फेक्शन की वजह से भर्ती कराया गया था। कुछ दिन पहले ही इरफान खान की मां सईदा बेगम ने शनिवार को जयपुर में अपने निवास में अंतिम सांस ली। लॉकडाउन के कारण अभिनेता इरफान खान अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे। तब उन्होंने कथित तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मां का अंतिम संस्कार किया था। मुझे लगता है मैंने सरेंडर कर दिया। 2018 में कैंसर से लड़ते वक्त इरफान खान ने एक तहे दिल से लिखे नोट में ये शब्द लिखे थे। एक कम बोलने वाला, अपनी गहरी आंखों से शांत भाव देने वाला और स्क्रीन पर यादगार एक्शन देने वाला व्यक्ति। बेहद दुखद है कि इस दिन हम ये खबर दे रहे हैं कि वो इस दुनिया में नहीं है। इरफान बहुत ही मजबूत आत्मा थे जो कि आखिर तक लड़ते रहे, हमेशा उस व्यक्ति को प्रेरणा दी जो भी उनके करीब आया। 2018 में रेयर कैंसर होने की खबर का वज्रपात होने के बाद उन्होंने जिंदगी को वैसे ही लिया जैसे वो उनके सामने आती गई और इसके साथ आने वाली सारी लड़ाइयों को लड़ा। अपने प्यार परिवार जिनकी वो सबसे ज्यादा परवाह करते थे उनके बीच वो जन्नत को चले गए अपनी सच्ची विरासत को छोड़ते हुए। हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें शांति मिले।